तो कोरोना वैक्सीनेशन का दूजा गेड़ देश समेत पंजाब भर के भी आ शुरू हो चुका है। सूबे के कई वड्डे शहर अमृतसर लुधियाना बठिंडा इत्थे लोग वड्डी गिणती च कोरोना वैक्सीन लगवाउण दे लई पहुंचे ने। दूजे पासे अमृतसर तो कांग्रेसी सांसद गुरजीत औजला भी परिवार समेत वैक्सीन लगवाउण दे लई पहुंचे। औजला ने कहा कि अज सिर्फ 45 ते 60 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगवाई गई है। नाल ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन तो घबराने की लोड़ नहीं है, हरेक शख्स को अपनी वारी आने पर वैक्सीन लगवानी चाहिए है। तो तीन तस्वीर पंजाब दियां ने, अमृतसर लुधियाना बठिंडा दियां। 60 साल तो उपर के सारे लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, 45 साल तो उपर दे लोग जिन्हां बीमारी है, जिन्हां नूं कोई होर बीमारी है, जिन्हां नूं डर है कि कोरोना ना हो जाए, जिन्हां दी इम्यूनिटी कमजोर है, उन्हां नूं भी ये वैक्सीन लगवाई जा रही है। कोविड जी वैक्सीन शुरू हुई है वो अज मैं लगवाने लिए इतने आया बतौर मैंबर पार्लीमेंट। पहले दिन शुरू हुई है क्योंकि 45 साल तो उपर जिन्हों कोई प्रॉब्लम है हेल्थ की वो लगवा सकते हैं, पहल उन्हों की है। नाल जे 60 साल तो उपर ने उन्हों की है। ये मैं अज परिवार के नाल मेरी धर्मपत्नी नाल सी, असी दोवां ने इंजैक्शन लगवाया है। इहदा कारण सब तो वड्डा है कि लोगों च अवेयरनैस की कमी है, लोग समझते कोई दिक्कत ना आए क्योंकि कूड़ प्रचार भी बहुत लोगों का हैगा आ। सो उस कूड़ प्रचार को आपां नहीं ध्यान देना, आपां सारिआं ने जिहड़ा सरकार वल्लों जिहड़ा मानता प्राप्त है वो इंजैक्शन आपां सारिआं ने लाउणा है।